हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से आधार कार्ड का पीवीसी कार्ड जो होता है वो कैसे बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को पूरे डिटेल में बताएंगे कि आप अपने आधार कार्ड का पीवीसी कार्ड कैसे बुक कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर नहीं ऐड रहने पर भी फिर भी पीवीसी कार्ड आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस पे आपको डिलीवर कर दिया जाएगा पोस्टमैन के जरिए से। तो चलिए वीडियो शुरू कर क्रोम ब्राउज़र पे। तो जैसे आप अपने आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र है तो वो ब्राउज़र ले सकते हैं। तो चलिए मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है तो हम ले लेते हैं क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है क्रोम ब्राउज़र का होम पेज। तो यहाँ से सर्च कर लेना है uidai.gov.in। ये आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये आपका आधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए हैं। तो इसके बाद सीधे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ से लिखा हुआ है ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, इस पर कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद थोड़ा इस तरह का इंटरफेस आता है, उसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहा है, आधार नंबर, वर्चुअल आईडी, ई आईडी। तो आपके पास जो है उससे आप बुक कर सकते हैं। तो चलो मेरे पास आधार नंबर है, यहाँ पे हम आधार नंबर देंगे, यहाँ पे कैप्चर देंगे। अगर कि आपका मोबाइल नंबर ऐड है तो यहाँ से कर देंगे सेंड ओटीपी। अगर कि मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो इस पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपके अब मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कोई भी एक मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो आप चलिए यहाँ पे हम कोई मोबाइल नंबर डाल देते हैं, चलिए जैसे डाल देते हैं 1 2 3, जो भी एनी भी आपका जो नंबर रहे वो नंबर डाल देना है। हाँ, नंबर डालने के बाद सीधे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी और सेंड ओटीपी पे कर देंगे क्लिक। सेंड ओटीपी से टर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ से करेंगे सबमिट। सबमिट होने के बाद यहाँ से बोल रहा है वेरीफाई योर आधार डिटेल्स, मेक पेमेंट, उस पर क्लिक करेंगे। ट्रांजेक्शन का